यदि कोई व्यक्ति से पाप हो जाए तो यह बिल्कुल सत्य है, वह पाप की रोटियां खा रहा है। जीवन में रिश्वत मत लेना, भूखे बैठ जाना, श्रीमद् भागवत के पांचवें स्कंद में वर्णन है उसका। आपको जो पगार मिलती है आपकी योग्यता की, तो आपको तनख्वाह मिलती है उसके ऊपर संतुष्ट रहना। आपने रिश्वत ली है, थोड़े समय के लिए आपको खुशी प्रसन्नता होगी, लेकिन आने वाले समय में बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। चोरी का माल तो मोरी में ही जाता है, बेईमानी का तो पानी में बहता है। इसलिए बेस नाखूनों से कमा करके और उस कमाई के ऊपर प्रसन्न रहना, कोई अपराध का कार्य मत कर बैठना बिल्कुल। जो मेहनत के साथ जिंदगी जीते हैं, द्वितीया के चंद्रमा की तरह बढ़ते हैं। आप कहेंगे जो अधर्म अन्याय के साथ कमा रहे हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं, वो नहीं बढ़ रहे हैं। समय से पहले पकने वाली फसल झड़ जाती है, ऐसा किसान लोग बोलते हैं। वो दिख रहा है कुछ नहीं है बाद में उसको, पूर्व का थोड़ा सा पुण्य था, वो थोड़ा आगे आ रहा है, सब कुछ खत्म, कुछ भी नहीं। इसलिए मेहनती बनिए, ईमानदार बनिए और संघर्षशील बनिए। परेशानियों को चुनौती देना शुरू कीजिए और पवित्र शाकाहारी बनिए। बाजारू चीजों को खाने से बचें, आप स्वस्थ होंगे, आपका पैसा बीमारी में खर्च ही नहीं होगा। गरुण पुराण में लिखा है कि 15 से 25 दिन तक गौगभ्य पेट में नहीं जाता। इस स्थिति में कोई व्यक्ति मौत को प्राप्त हो जाए तो यमराज के दूत उसके मुख में मलमूत्र का विसर्जन करते हैं। गरुण पुराण में लिखा है कि 15 से 25 दिन के बीच में यदि मुख में गौगभ्य, गौ माता का दूध, दही, घी कुछ ना जाए और ऐसे में आदमी मर जाए तो उसको इतना कष्ट होता है कि यमराज के दूत उस जीव के मुंह में मलमूत्र विसर्जित करते हैं। इसलिए घर में कोई बुजुर्ग है, कोई बूढ़ा है और जाने वाला मेहमान है, उसका ध्यान रखिए, उसको हल्की चुपड़ी रोटी दीजिए, उसको पंचगव्य बना करके दीजिए। पंचगव्य में दूध उसका आधा, दही उसका आधा, घी, घी का आधा गोमय और गोमय का आधा गोबर, गोबर का रस, रस, ये पांचों चीजें, ये पंचगव्य है, ये मिला के दीजिएगा। उसको प्राण छोड़ने में कष्ट नहीं होगा। गीता जी का 18वां अध्याय सुनाइए, गंगा जल और तुलसी दीजिए। बच्चे इसलिए होते हैं, पापा की प्रॉपर्टी रखाने के लिए नहीं होते बच्चे, बच्चे इसलिए होते हैं कि वो माँ बाबू जी का अंत संभाल दें। पुत्र का अर्थ जानते हैं, जो पुमान नरक से तारे उसे ही तो पुत्र कहते हैं। आज पुत्र तो है नहीं, आज तो लड़के हैं, सब काम लड़ लड़के हो रहा है। पुत्र बनिए, अच्छे पुत्र बनिए, ध्यान रखिए उनका। जो माँ बाबू जी नहीं है उनके निमित्त कीजिए, उनके प्रति श्रद्धा रखिए। माता पिता ऐसे ही, उनकी सत्ता समाप्त नहीं होती जैसे धरती से भगवान की सत्ता समाप्त नहीं होती। क्योंकि आदमी के तीन शरीर होते हैं, कारण, स्थूल और सूक्ष्म। जो कारण शरीर है वो अगला जन्म लेता है और स्थूल शरीर है वो मरगट में फूंक दिया जाता है, और जो सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म शरीर से, वो जहां से अपना शरीर छोड़ के आया है वहां पर भी वो भ्रमण करता है। सूक्ष्म शरीर से यह जीव पूरे प्रकृति में महाराज विचरण करता है, सूक्ष्म रूप से। हम और आप जहां से भी, पूर्व में कहीं से भी आए हों, ऐसा विधान है ग्रंथ का, सूक्ष्म शरीर से 16 दिन ये जीव वहां रहता है जहां से वह वहां से चल के आया। वायु पुराण में भी लिखा। और आनंद की बात, जब आपकी तरक्की हो रही है, यहां आपको उत्थान हो रहा है, तो अभी आप जो कर रहे हैं उसका परिणाम नहीं है, तो जहां से आप शरीर छोड़ के आए हैं वहां कुनवा आपके निमित्त कुछ कर रहा है, उसकी वजह से आपका यहां प्रोग्रेस, यहां आपका उत्कर्ष हो रहा है। ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। तो हमारे पुरखे इतना छोड़ छाड़ के गए, वो जहां भी हो उनको कोई कष्ट ना हो, कोई उन्हें दिक्कत ना हो, तो उनके लिए कुछ करते रहे। मैंने किसी के था में बोला था, कुछ काम ऐसे हैं कि जिनका फल हमें मरने के बाद भी मिलता है। वो कौन कौन से काम है? पेड़ लगाओ, उसके नीचे जो छाया लेंगे, जब जब वो छाव लेंगे, फल खाएंगे, उसका फल हमारे अकाउंट में, खाते में जा रहा हुआ। प्याऊं लगा दी, कुएं खुलवा दिए, सरोवर बनवा दिए, किसी गरीब के अनाथ के बच्चे को पढ़ा दिया,
वो बड़ा होगा कमाएगा और उससे रोटियां उसके परिवार के लोग जब जब खाएंगे तब तक उसका पुण्य आपके अकाउंट में खाते में जा रहा होगा। आपने अपने बच्चों को संस्कारीय बना दिया और वो बच्चे जब जब चार धाम यात्रा कर रहे होंगे, मठ मंदिर जा रहे होंगे, गुरुजनों के पास जा रहे होंगे, वो संस्कार आपने दिए हैं इसलिए उसका फल आपके अकाउंट में अपने आप जा रहा होगा, ऐसा गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा। इसलिए तो मैं कहता हूं इन बच्चों को अविवेकी मन छोड़ो, इनको मूर्ख मन छोड़ो, इनको पढ़ा लिखा के संभ्रांत और सभ्य बनाइए और ये सभ्य बनकर अच्छे काम करेंगे। जब जब उनके द्वारा अच्छा काम हो रहा होगा तो उसका पुण्य का प्रॉफिट आपके अकाउंट में जा रहा होगा। ये जरूरत है, आवश्यकता है। आप तो कलेक्टर बनाना चाहते हैं, आप अधिकारी कर्मचारी बनाना चाहते हैं। किसी कथा में मैं निवेदन कर रहा था, आप बच्चों को थानेदार तहसीलदार बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कम से कम पहले इनको इंसान तो बनाओ। हाँ, इंसान नहीं बनेंगे तो रिश्वत लेंगे, उठपटांग काम करेंगे। जैसे पुरखे आंख के रक्त के आंसुओं से रोएंगे, इनको जो बनाओ सो बनाओ, प्लीज सबसे पहले इनको इंसान तो बना। और छोटे छोटे बच्चे हैं, कल भी बोला गया कोरा कागज है, कोरे कागज पर जो लिख दोगे वही लिख जाएगा, लिखे हुए पर लिखोगे तो नहीं लिखता, कोरे पर आप लिख दोगे वही लिख जाएगा। ये बच्चे तो कोरे कागज हैं, इनको जो बना दोगे, कल ही मैंने निवेदन किया है, इनको तलवार दे दी तो ये डाकू बन जाएंगे और इनको किताबें दे दी तो ये देवता बन जाएंगे। अब आप देख लो क्या बना, कोरा कागज है। समान को कुछ दो, धृतराष्ट्र ना बने, कुंती बने। कुंती वह है जो पांच पुत्र, अब मैं भागवत कथा नहीं सुना रहा हूं आपको, कुंती वो है जो पांच पुत्र, पांच पुत्र क्या युधिष्ठिर धर्म है। ये जितनी भी माताएं हैं यहां पर बैठी हैं, कुंती बनो, समाज को धर्म दो, आपका बच्चा ऐसा हो जो युधिष्ठिर धर्म। कुंती ने दूसरा बेटा दिया जिसका नाम है भीम। भीम बड़ा बली है, बड़ा तंदुरुस्त है भीम। भीम हमेशा सबके काम आते हैं, भीम की बहुत बड़ी विशेषता है। आपकी संतान भी ऐसी हो, वो चाची के काम, ताई के काम, दादा दादी के काम, रिश्तेदारों के काम, समाज के काम, सबके काम आए। और जिनके बच्चे सबके काम आते हैं, सच मानिए वो माता कुंती है। अब आप पूछें आप कुंती हैं क्या नहीं। जिनके बच्चे धार्मिक हैं, बेईमानी नहीं करते, रिश्वत नहीं लेते, खोटा काम नहीं करते, वही तो युधिष्ठिर है। यदि आपके बच्चे गलत काम नहीं करते तो सत्य यही है, फिर आप माँ कुंती हैं। और कुंती साधारण नहीं है, पंच कन्याओं में कुंती का नाम आता है। ऐसा वर्णन है कि जो सुबह कुंती माता का नाम ले ले उसके अंत में भगवान दर्शन देते हैं, ग्रंथों में वर्णन है। पांच देवियां हैं, कुंती, मंदोदरी, तारा, अहिल्या और द्रौपदी, पांच है ये। माता कुंती बनी है, कुंती का बेटा युधिष्ठिर जो कभी खोटे काम नहीं करता, संतुष्ट जीवन जीता है वो युधिष्ठिर। आप अपने बच्चों को देखें, ये तो आपके हाथ में है, आप क्या बनाना चाहते हैं। आप जो बनाओगे बच्चे वही बन जाएंगे। माता तीसरा बेटा देती है जिसका नाम है अर्जुन। अर्जुन एक संयमी पुरुष है। इंद्र के लोक में गए तो बहुत अप्सराएं मिल रही थी उन्हें, उनके धर्म को बिगाड़ने के लिए। आप ऐसे बच्चों को जन्म दीजिए जो संयमी हो, दुराचारी नहीं, सदाचारी हो। आपके बच्चे यदि लंपट निकल गए, अपने मन मुताबिक विवाह और खोटे काम, गलत काम, तो समझ लो कि तुम्हारी कुछ ही लजा जाएगी। अच्छी संतान, सदाचारी संतान को जन्म देने में माँ का हाथ है, क्योंकि नाभि के नीचे का पूरा हिस्सा है वो माँ के द्वारा बनता है और नाभि के ऊपर का जो हिस्सा है वो पिता के द्वारा बनता है। इसलिए चेहरा मोरा ऊपर का जो है वो सब पिता से मिलता है और नीचे का है वो सब माँ से मिलता है। इसलिए पिता की देख रेख में बच्चा विद्वान और माँ की देख रेख में बच्चा सदाचारी बन जाता है। जिनके बच्चे दुराचारी हैं, मन मुताबिक
विवाह, लड़कियों को भगा ले जाना, उल्टा पुल्टा काम करना, ये सब कमी माँ की है। ये सब माँ की वजह से होता है। बच्चों के औलाद के बारे में जितना माँ को पता होता है और किसी को पता ही नहीं होता। आपकी देख रेख में बच्चे देवता बन जाते। सुपर्णखा भगवान राम का कुछ नहीं बिगाड़ पाई है, सूत्र इन माताओं का ही तो था। हाँ बेटा, तुम लोग रघुवंशी हो, हमसे जो बड़ी है वो माँ है, बराबर की है बहन है, और छोटी है वो बेटी है। राम यही पूरे वनवास में बोलते रहे अपनी माताओं की कही गई बात। माता को इसलिए हमारे उपनिषदों में पहला गुरु कहा, मात्र देवो वह, जितने गुरु हैं सबका नंबर बाद में आता है, पहला गुरु माँ। माँ कुंभकार है। आप कुंभकार जो बर्तन बनाता है, ये वो बना देता है, कभी चिलम बना देता है तो कभी सुराई भी तो बना देता है, सुराई। तो आप है मेरी माताओं, दादा लोगों, भाई लोगों, आप भी कुंभकार हैं, कहीं बच्चे चिलम ना बन जाए, इनको सुराई बनाइए। सुराई और चिलम का एक ही अंतर है, चिलम वो है जो स्वयं जलती है, इसकी फूंक जो लोग खींचते हैं उनका भी कंठ जला देती है। चिलम वही तम्बाकू खींचने वाली चिलम, समझ रहे हैं आप। लेकिन एक सुराही होती है जिसमें ठंडा पानी भरा जाता है, स्वयं ठंडी रहती है, इसका घूंट जो भी कोई खींचता है उसका कंठ ठंडा और गीला कर देती है। आपने बच्चों को कुसंस्कारी चिलम बना दिया, स्वयं जलेंगे, दूसरों को जला देंगे, और सुराई की तरह संस्कारी बना दिया, स्वयं आनंद में रहेंगे, जिसको मिलेंगे उसको भी आनंद में भर। ताली तो आज बजाना ही मत बिल्कुल भी, संस्कारी बनाइए, ये सौदा आपको देनी पड़ेगी। बाजारू मत खाइए। मैं ये बात बोलते बोलते कहां तक चला गया, चिलम सुरई तक। बाजारू मत खाइए, अच्छा सा बनाइए। माताओं आप बहुत अच्छी तब हैं जब आप रसोई में बहुत बड़ी कारीगर हैं। आप जब पियर चली जाती हैं तो घर लुटा पुटा सा, फूकनी, आजकल तो फूकनी होती नहीं, पहले जब चूल्हे जलते थे तो उसमें इतनी बड़ी फूकनी होती थी, पाइप का टुकड़ा टाइप का। और ये भाई लोग, घरवाली चली जाती थी पियर में तो ये रोटियां बनाते थे, दाढ़ी थोड़ी लंबी होती थी, फूंकनी से मारी उसने फूंक, कभी कभी दाढ़ी भी जल गई। बड़ा कठिन काम है रसोई का काम संभालना। मर्दों नहीं पता है तो दो दिन लग के बना के बता देना, पता लग जाएगा कि माताओं का कितना बड़ा यह काम है। रविवार को तुम्हें तो छुट्टी मिल जाती है, इनको तो संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती, और ज्यादा मीनू इतवार को इनको मिलते हैं। कोई तो दाल के पकोड़ा मंगोड़ा खाता है, हाँ कोई पनीर की भुजिया खाना चाहता है। पूरा का पूरा मीनू सुबह से लेकर रात को 11 बजे तक पूरा करती रहती है सबके मीनू। इस बेचारी को कोई नहीं पूछता कि माँ तूने भी कुछ खा पी लिया क्या, उसको कोई नहीं पूछता। घर तो इससे ही सुंदर लगता है, यह गृहिणी है। घर सच में आपसे सुंदर है, और मैंने बहुत निवेदन किया है बाथरूम की चीजें कम करो, कम से कम। आपके बाथरूमों में 10-10 तरह के सामान पड़े, साबुन इतना पड़ा है, ये लीपा पोती के कितने ट्यूब, 250-250 का एक आता है, और फिर भी मुंह थुतरिया बने बैठे हैं इतनी लीपा पोती करने के बाद भी। केले में थोड़ा शहद डालो, जो 500 रुपए का ट्यूब लगाते हैं केला, उसमें थोड़ा सा शहद डाल लो, फिर उसको मुंह पे रगड़ लो, चमक जाएगा, बिल्कुल लाइट मारेगा एकदम। कली कली लगा के घिस के आना। और ये तुम ये केमिकल पड़ी हुई है सब चीजें आप चेहरे मोड़े पर आप लगाते हैं, ये तो आपको अच्छा लग रहा है चेहरा, अब मुझे से को किसी को पूछ ले तो मैं बताऊंगा कि कैसा लग रहा है। बाथरूम की चीजें कम करो, साबुन ज्यादा मत लगाइए। राजीव दीक्षित जी का नाम सुना है आपने, बहुत अच्छा बोलते थे। वो कहते हैं एक बार मैं मुंबई से कार्यक्रम करके लौटा तो मेरे पास एक अभिनेता का फोन आया कि हमें एक दिन का टाइम दे दो। उन्होंने नाम भी बताया, मैं नहीं बताऊंगा ऐसे। तो
मैंने उनके सामने एक शर्त रख दी, राजीव दीक्षित भाई, राजीव दीक्षित कहते हैं, मैंने कहा उनको 150 और भी लोगों को बुलाना मेरे कार्यक्रम में। वो राजी हो गए, कार्यक्रम चालू हुआ, ज़्यादा तो नहीं हुए, हाँ लगभग 75-80 लोग बैठे हुए थे, सब बैठे हुए थे। तो मैंने एक बात वहाँ बोल दी कि चेहरे पर साबुन लगाने से चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, तो एक्टर एक्ट्रेनी सब लोग बैठे हुए थे, वो खिलखिलाकर ऐसे हंसे जैसे मैं किसी गांव का कोई मूर्ख चल के आ गया हूँ क्या।